सावन भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। ये सवारी प्रत्येक सोमवार को निकलती है। ऐसे में पिछले सोमवार को सवारी के दौरान कई श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। आने वाली सवारी में इस प्रकार की घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। देखिए, महाकाल बाबा की जो सवारी निकलती है उसमें बहुत सारे पक्ष हैं, जो हमारे कहार बंधु हैं जो पालकी लेके चलते हैं, हमारे पुजारीगण हैं जो पालकी के साथ चलते हैं और पूजा करते हुए चलते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिससे छवि धूमिल होती है। इस संबंध में सारे पक्षों से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे छवि धूमिल हो। निश्चित तौर पे भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल काम है, लेकिन संयम बरतें जिससे कि ये दिक्कत ना हो। यहाँ बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी श्रद्धालु सवारी के दौरान पालकी के आसपास आता है तो उसे शालीनता के साथ दूर किया जाएगा। पिछले सोमवार को जो घटनाएं घटी और जिस तरीके से मंदिर समिति को, पुलिस को और पुजारियों को भी बदनाम किया, उसी के विषय में लेकर आज तो क्या बोले यहाँ पर बैठक थी। उसमें दोनों बातें हुई है कि किसी को धक्का दिया गया है तो किसी ने पुजारी को भी धक्का दिया और पुलिस को भी धक्का दिया है, उसके भी वीडियो वगैरह वायरल हुए हैं। अब आगे से ये सब चीज़ें ना हो, इसको देखते हुए सभी भक्तों से अपील की गई है कि वो पालकी से दूर रहें, पालकी के पास ना आए, पालकी पर झूमे नहीं, झपटा नहीं करें और कोई भी वस्तु चढ़ाने की चेष्टा न करें जिससे पालकी पे कभी कोई क्षति हो और उसके साथ चलने वाले जो पुजारी हैं, पुलिस, उनको कोई क्षति पहुंचे। इस बात पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पालकी के आगे जो भी भक्त चलते हैं वो पैदल चलें, उनके पास गाड़ियां ना हो, डीजे नहीं हो, इन सब पे प्रतिबंध होना चाहिए और ये प्रतिबंध सख्ती से लगाकर इसके ऊपर ये यदि किया जाता है तो समयबद्धता के अंदर पालकी मंदिर पहुँच सकती है। ऐसे कई इस पर विचार किए गए हैं और इन्हीं विचारों के ऊपर आज की बैठक। देखिए, बाबा महाकाल की सवारी के संबंध में मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर जो भी बाबा की सवारी के अंदर समस्या आई थी उससे हमने प्रशासन का अवगत कराया है, क्योंकि जब बाबा महाकाल की पालकी चलती है, लाखों भक्त लोग जब बाबा के दरबार के अंदर आते हैं और जब वो बैरिकेडें तोड़कर पालकी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ऐसा माहौल बन जाता है कि मूर्ति की रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस मूर्ति की रक्षा जब हम लोग करते हैं तो भक्त लोगों को धक्का भी लगता है, वो धर्म का धक्का कहलाता है, जिसको अनावश्यक रूप से लोग माहौल बना देते हैं। तो उसके बारे में हमने माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करी है और मंदिर की परंपरागत व्यवस्थाओं पर अवगत कराया है। आगे हमने ये बताया है कि बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भक्त लोग भगवान पर इत्र ना चढ़ाएं, दूर से नारियल ना फेंकें, चिल्लर ना फेंकें, भक्त लोग दूर से दर्शन करें, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां डीजे की आ जाती है वो ना आए, जिसके कारण मैसेज कन्वे करने में शासन प्रशासन को बड़ी काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आवाज़ें एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण समस्या आती है और लगातार बाबा का जो पुराना भव्य स्वरूप है वो कायम रहे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उनके बीच में कोई नहीं घुस सकता है, उसी प्रकार राजा महाराज राजराज महाकाल बाबा का प्रोटोकॉल है, उनकी भी मर्यादाओं का पालन सब लोगों को करना चाहिए। बता दें कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद सवारी के स्वरूप को बदला जाएगा, डीजे बैंड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।